नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल ई टी लेखाल वी डी ओ आर ओ आर इन सभी एग्जाम्स की तैयारी चल रही है इन सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट रोल रहेगा और हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो की भी 2000 पदों की वैकेंसी आई है उसमें भी जनरल अवेयरनेस पीस क्वेश्चन पूछे जाएंगे करंट अफेयर्स के तो करंट अफेयर हमेशा अपना स्ट्रॉन्ग करते रहिएगा कंटिन्यू वीडियो मैं इस पर लाऊंगा साथ साथ जीएस के क्वेश्चंस भी रहेगा तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को पहले हम करंट अफेयर के क्वेश्चन को देख लेते हैं पहला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है हाल ही में बिहार में विधानसभा चुनाव हुए थे नीतीश कुमार की पार्टी जो है विजयी घोषित हुई और इन्होंने फिर दोबारा से शपथ लिया है मुख्यमंत्री का तो ये कौन से नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं पहला प्रश्न ये पूछा जा सकता है दूसरा प्रश्न जो पूछा जा सकता है ऐसा करने वाले वो देश के एकमात्र मुख्यमंत्री बन गए हैं छठवीं बार शपथ ली उन्होंने आठवीं बार पांचवीं बार सातवीं बार इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा सही जवाब है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सातवीं बार शपथ जो है ली है और ऐसा करने वाले वो किसी राज्य के पहले मुख्यमंत्री बन गए बिहार राज्य के और पूरे देश में भी अगर कंपैरिजन किया जाए तो ऐसा करने वाले वो प्रथम व्यक्ति बन गए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है पूछा जा सकता है हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कितने झीलों को रामसर साइट में शामिल किया गया है ये क्वेश्चन जो है आगामी उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा चाहे मार्च में पेपर हो अप्रैल में हो मई में हो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस रामसर साइट्स में एक साइट उत्तर प्रदेश की है तो टोटल संख्या है दो, दो साइट्स को शामिल किया गया है दूसरा प्रश्न जो यहां से आ सकता है रामसर आद्र झीले साइट जो है भारत में अब कितनी हो गई है इन दो को शामिल करने के बाद सही जवाब क्या होगा सही जवाब है इकतालीस जी हां दो रामसर साइट्स को शामिल किया गया है दो झीलों को तो कुल मिलाकर भारत में टोटल रामसर साइट्स हो गई हैं इकतालीस याद रखिएगा इस संख्या को प्रश्न बनकर के आ सकता है अब झीलों की बात कर लेते हैं कौन सी दो झीलों को शामिल किया गया है पहली है महाराष्ट्र की बुदलाना जिले में स्थित क्रेटर झील जिसका नाम है लोनार झील इसको रामसर साइट में शामिल किया गया है और दूसरी उत्तर प्रदेश की सरोवर झील प्रश्न बनकर यह भी आ सकता है हाल ही में रामसर साइट में शामिल की गई सुर सरोवर झील उत्तर प्रदेश के किस जनपद के अंतर्गत आती है आगरा कन्नौज बिजनौर मिर्जापुर इस तरह से ऑप्शन पूछे जा सकते हैं चाहे यूपी एस की परीक्षा हो या फिर यूपी ट्रिपल एस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सही जवाब क्या होगा सुर सरोवर झील आगरा चलिए आगे बढ़ते हैं हाल ही में अक्टूबर 2020 में केंद्र सरकार द्वारा भारतीय पर्यटन सांख्यिकी रिपोर्ट 2020 जारी की गई है इसके अनुसार वर्ष 2019 में घरेलू और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा यूपी की परीक्षाओं से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है करंट अफेयर का क्वेश्चन तो देखिए घरेलू में यानी कि भारत के निवासियों को आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश का स्थान रहा कौन सा बताना है आपको प्रथम और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में रहा तृतीय तो इस आंकड़े को याद रखिएगा पहले नंबर पर रहा घरेलू पर्यटकों को यानी कि भारतवासियों को आकर्षित करने में नंबर वन और फॉरेन से जो फॉरनर्स आए उस मामले में नंबर तीन थोड़े आंकड़े देख लेते हैं क्योंकि परीक्षा में पूछे जा चुके हैं तो देखिए कुल संख्या घरेलू की जो है ये दे रखी है तिरपन अंठावन पचपन एक सौ बासठ और विदेशी दस पॉइंट तिरानवे मिलियन तो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो विदेशी पर्यटक कितने आए भारत में दस दशमलव तिरानवे मिलियन तीन पॉइंट पांच प्रतिशत ज्यादा विश्व पर्यटन में भारत की हिस्सेदारी यह भी प्रश्न बन चुका है विश्व पर्यटन में भारत की हिस्सेदारी कितनी है एक दशमलव तेईस प्रतिशत इसको भी याद रखिएगा। यह प्रश्न बन चुका है दस दशमलव तिरानवे मिलियन वाला प्रश्न बन चुका है साढ़े तीन फीसदी वृद्धि दर्ज की गई है और यूपी का क्रम क्वेश्चन नंबर बीस हाल ही में नीति आयोग ने किसके सहयोग से एक फ्रंटियर टेक्नोलॉजी क्लाउड इनोवेशन सेंटर की स्थापना की है नीति आयोग की कोई भी गतिविधि हो और करंट अफेयर में प्रश्न बनता हो उसको अच्छे से तैयार करिएगा क्योंकि परीक्षा में पूछ लिया जाता है तो यहां पे सही जवाब क्या होगा किसकी सहायता से एक फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज क्लाउड इनोवेशन सेंटर की स्थापना की गई है अमेजन वेब सीरीज ऑप्शन सी ऑप्शन सी नीति आयोग कोई इंडेक्स जारी करता है कोई सूचकांक जारी करता है तो वो प्रश्न में काफी इंपॉर्टेंट होता है तो ध्यान रखिएगा यहां पर सही जवाब हो जाएगा अमेजन वेब सीरीज की सहायता से वर्ष 2020 में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस प्रश्न संख्या थोड़ी आगे पीछे हो गई है 21वां प्रश्न भी अभी आगे दिखेगा तो पहले इस प्रश्न को देख लेते हैं वर्ष 2020 में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस किस तिथि को मनाया गया और यह तिथि इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस दिन दो शैक्षणिक संस्थानों को राष्ट्र को समर्पित किया गया है पहला है भारतीय आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान जो कि संसद की, की अधिनियम द्वारा जो है स्थापित किया गया है जामनगर दूसरा राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर जामनगर और जयपुर के संस्थानों को राष्ट्र को समर्पित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस दिन राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस क्वेश्चन नंबर चौबीस सही जवाब है तेरह नवंबर ऑप्शन बी अगला प्रश्न देखते हैं हाल ही में बारह नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया इस वर्ष इसकी थीम यानी कि विषय क्या रखा गया था चार ऑप्शन है आपके सामने सही जवाब है ऑप्शन सी एवरी ब्रीथ काउंट्स हर सांस को गिना जाएगा यह प्रश्न यूपिटर प्लेसी में प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है दिवस के ऊपर प्रश्न जो है हमेशा बनते रहे हैं इनको अच्छे से तैयार करिएगा विश्व शौचालय दिवस भी पूछा जा चुका है भारत की देन है कि विश्व शौचालय दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है मनाया जाता है कब से 2013 से इस साल वर्ष 2020 में 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस हर साल मनाया जाता है वैसे थीम पर भी प्रश्न जो है पूछा जा सकता है सतत स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर थीम है सतत स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन 2013 से संयुक्त राष्ट्र हर साल पूरे विश्व में विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है हाल ही में चौथा ऊर्जा मंच 2020 का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसकी थीम क्या रखी गई इसका आयोजन पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया गया इसकी थीम को देखिए चार ऑप्शन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम्पल के रूप में एग्जाम्पल के रूप में ये देखिए चार है क्वेश्चन बनाया गया है एक तरह से इसकी थीम जो रखी गई थी वो है बदलती दुनिया में भारत का ऊर्जा भविष्य थीम के ऊपर विषय के ऊपर जो है क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं करंट अफेयर में उसको अच्छे से तैयार रखिएगा चलिए क्वेश्चंस बहुत सारे हैं मैं कोशिश करूंगा रेगुलर बेसिस पर करंट अफेयर की वीडियोस लाने की देखिए हमारे देश के सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सर्वोच्च न्यायमूर्ति श्री अरविंद बोबड़े जी द्वारा देश का प्रथम ई रिसोर्सिस सेंटर जिसका नाम रखा गया है न्याय कौशल इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है क्या है न्याय कौशल देश में जितने भी कोर्ट्स हैं सेशन कोर्ट्स हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट तो एक है इन सभी की कार्रवाइयों को जो है ई फाइलिंग के माध्यम से एक जगह एक सेंटर में तैयार रखना और उस सेंटर का नाम दिया गया है न्याय कौशल और वो देश का पहला ई रिसोर्स सेंटर है और इसकी इसका जो नियम है उद्घाटन जो किया गया है अरविंद बोबडे द्वारा जो है किया गया है किस जगह पर पुणे पटना रायपुर नागपुर सही जवाब हो जाएगा नागपुर और ये प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है काफ़ी पूछा जा सकता है देश में पूरे भारतवर्ष में जितने भी केसेस हैं उन सब की ई e फाइलिंग यहां पर मौजूद रहेगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये न्याय कौशल प्रश्न आ सकता है न्याय कौशल क्या है तो ई फाइलिंग सेंटर पूरे देश में जितने भी विधि के केसेस हैं उन सब की जो है फाइलिंग यहां पर प्राप्त हो सकती है कंप्यूटराइज डिजिटल फॉर्म में विश्व मधुमेह दिवस पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में इस बार भी हर साल एक ही डेट को मनाया जाता है तो डेट है 14 नवंबर थीम इंपॉर्टेंट है द नर्स एंड डायबिटीज द दा नर्स एंड डायबिटीज प्रतिवर्ष 26 नवंबर को देशभर में संविधान दिवस मनाया जाता है जी हां 26 नवंबर उन्नीस को संविधान सभा द्वारा संविधान अपनाया गया था जिसको लागू किया गया 1950 में इस उपलक्ष्य में नरेंद्र मोदी द्वारा किस वर्ष से छब्बीस नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया है केंद्र सरकार द्वारा ऑप्शन इस तरीके से दिया हुआ है तो सही जवाब हो जाएगा वर्ष 2015 वर्ष 2015 हाल ही में गुरु तेग बहादुर की कौन सी जयंती के उपलक्ष में पूरे देश भर में मनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और इसमें अमित शाह राजनाथ सिंह और भी उच्च स्तरीय मंत्री जो हैं शामिल हैं तो प्रश्न ये बन सकता है कि गुरु तेग बहादुर की कौन सी जयंती पूरे देश भर में मनाई गई एक समिति गठित की गई थी नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक उत्साह उल्लास मनाने के लिए एक त्यौहार टाइप का मनाने के लिए गुरु तेग बहादुर की जयंती का तो ऑप्शन देखिए तीन सौ पचासवीं जयंती चार सौवीं तीन सौ अस्सी पाँच सौवीं सही जवाब क्या होगा चार सौवीं, इकतीस अक्टूबर को एकता दिवस मनाया जाता है प्रश्न यह है आपके लिए इस साल सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की कौन सी जयंती मनाई गई एक सौ चालीस से एक सौ पचास के बीच में वो आंकड़ा है कमेंट करके बताइएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की कौन सी जयंती मनाई गई हाल ही में आठवीं संख्या याद रखिएगा आठवीं ब्रिक्स विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार मंत्री स्तरीय बैठक 2020 वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुआ है 13 नवंबर 2020 को हुआ सही जवाब हो जाएगा रूस रूस अब जरा जीएस क्वेश्चंस देख लेते हैं स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे दो बार पूछा गया है रिपीटेड क्वेश्चन है प्लस सी का सही जवाब है के रामकृष्ण पिल्लई स्वदेश वाहिनी यह प्रश्न देखिए कितनी बार पूछा गया है कर अंतिम मुगल सम्राट अठारह की क्रांति के समय जो क्रांतिकारी थे उन्होंने बहादुर शाह चबर को जो है अपना राजा घोषित कर दिया था उसके बाद जो है इनको अंग्रेजों द्वारा कहां भेजा गया इस पर प्रश्न बन चुका है इनकी मृत्यु अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु जो है कहां हुई प्रश्न बन चुका है और यहां पर प्रश्न यह दिया हुआ है यूपीटर प्लेसी का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के पिता का नाम क्या था ऑप्शन देखिए आपके सामने है सही जवाब हो जाएगा अकबर शाह द्वितीय अकबर शाह द्वितीय इतिहास की दृष्टि से एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि दी थी क्यों क्योंकि इनकी पेंशन की वृद्धि कराने के लिए वो इंग्लैंड में गए थे और फिर वो वापस नहीं आए उनकी मृत्यु वहीं हो गई तो प्रश्न बनता है कि राजा राम मोहन रॉय की समाधि कहाँ है काफी सारे लोग भारत में गैस कर लेते हैं लेकिन उनकी समाधि ब्रिस्टल इंग्लैंड में है अकबर शाह द्वितीय ने ही उनको राजा की उपाधि दी थी और ये पिता है अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के और बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ ले जाया गया था रंगून जहां उनकी मृत्यु हुई तो ऑप्शन क्या होगा बहादुर शाह जफर की मृत्यु रंगून में हुई थी म्यांमार और जिंदा पीर किसे कहा जाता है ऑप्शन देखिए यही हो, अगर हो तो जिंदा पीर किसे कहा जाता है घोड़े पर बैठे बैठे युद्ध के बीच में नमाज पढ़ने की कला के कारण और डर के भय के कारण उस समय के लोगों को के द्वारा औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था तो यह प्रश्न भी यूपी ट्रिप्लस्सी में पूछा गया है नक्शबंदिया संप्रदाय को मानने वाला था औरंगजेब यह प्रश्न भी पूछा गया है चार तरह के संप्रदाय थे तो औरंगजेब का जो संप्रदाय जिन्होंने माना नक्शबंदिया जो कि संगीत का घोर विरोधी था और एक और प्रश्न पूछा गया है कि औरंगजेब कौन सा जो है वादक था इंस्ट्रूमेंट को बजाने में निपुण था यह भी प्रश्न पूछा गया कमेंट करके बताइएगा तो किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम बना एक प्रश्न ये पूछा गया यूपी में इससे जुड़ा हुआ एक और निम्न में से किस आंदोलन से महात्मा गांधी नहीं जुड़े थे ये दोनों ही प्रश्न का ऑप्शन सेम है तो वंदे मातरम गीत बना स्वदेशी आंदोलन का और स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ बंगाल के विभाजन के कारण और बंगाल का विभाजन हुआ था सन 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में जिसे बंग भंग आंदोलन भी कहा जाता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी स्वदेशी आंदोलन के सबसे बड़े नेता थे प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता निम्न में से कौन है तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी स्वदेशी आंदोलन ठीक है ऑप्शन सी यहां पे सही जवाब होगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों राष्ट्रपति का रिक्त पद कितने दिनों में या माह में भर जाना चाहिए 90 डेज तीन माह छह माह एक वर्ष छह माह के भीतर हर हाल में भर जाना चाहिए संविधान के अनुसार चलिए राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति पद संभालेगा अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही एबसेंट हो तब जो है राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है सुप्रीम कोर्ट का सर्वोच्च न्यायाधीश सुप्रसिद्ध या फिर कहें कुख्यात मृतक घाटी सबसे पहले तो यह भी प्रश्न बन चुका है कि मृतक घाटी ने उनमें से किसे जाना जाता है मेक्सिको की घाटी की घाटी तो सही जवाब होगा कैलिफोर्निया वैली को जो कि अमेरिका में है उसे मृतक घाटी कहते हैं और ये क्यों फेमस है अत्यधिक गर्मी के कारण जी हाँ अत्यधिक गर्मी के कारण यहाँ पर जो है जो भी व्यक्ति जाता है उसकी मृत्यु संभावित हो जाती है ऑप्शन ए पूछा गया प्रश्न है कहाँ पर है मृतक घाटी यूएसए में कैलिफोर्निया एक ये प्रश्न जो कई बार पूछा गया है अंसान, डेट्राइट मास्को, ओसाका यह किस देश में इससे सुमेल होंगे यह पता होना चाहिए यह किस झीलों के किनारे बसे हैं यह भी पता होना चाहिए अगर है तो अंसान लोहा इस्पात के लिए चाइना सही है डेट्राइट ईरी झील के किनारे ऑटोमोबाइल्स अब इसका प्रदूषण जो है प्रदूषित करता है ईरी झील को और इरी झील को यूएसए की सबसे प्रदूषित झील भी बना देता है मास्को पोत निर्माण यह गलत है पोत निर्माण को छोड़ करके वस्त्र उद्योग इंजीनियरिंग उद्योग के लिए फेमस है मास्को रूस की राजधानी मास्कोवा नदी के किनारे बसा है मास्को ओसाका जापान वस्त्र उद्योग के लिए सही है तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं स्थानीय है हवाएं चीनुक सिरोको ब्लीजर्ड नार्वेस्टर्स कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है ऐसे प्रश्न कभी भी गलत नहीं होने चाहिए चीनुक संयुक्त राज्य अमेरिका बिल्कुल सही बात है सिरोको सिसली बिल्कुल सही बात है ब्लीजर्ड ये ध्रुवीय पवन है ठंडी पवन है और ये यूएसए और कनाडा के उत्तर में बहती है नार्वेस्टर कई बार परीक्षा में काल बैसाखी दे देता है और कई बार नारवेस्टर तो नार्वेस्टर असम और पश्चिम बंगाल में बहने वाली स्थानीय पवन है जिसको काल बैसाखी भी कहा जाता है जो कि फसलों के लिए काफी लाभदायक होती है तो यहां पे ऑप्शन सी जो है गलत सुमेल है ब्लिजर्ड यूएसए और कनाडा के उत्तर दिशा में बहने वाली ध्रुवीय पवने हैं यूरेशिया के घास प्रदेश जितने भी सेलवास, पेम्पास स्टेपीज प्रेरीज वेल्ड कैम्पोज़, इन सब के बारे में आपको एक एक दो दो लाइन पता होनी चाहिए किस राष्ट्र में इनकी अवस्थिति है किस प्रकार के घास प्रदेश हैं ये तो यहां पे प्रश्न देखिए पूछा गया है यूरेशिया के घास प्रदेश यानी कि जो गेहूं के बेल्ट हैं ब्रेड बेल्ट जिसे कहा जाता है वो कौन से हैं उनका नाम क्या है सेलवास पम्पास स्टेपीज प्रेरीज सही जवाब हो जाएगा यूरेशिया यूरोप जमा एशिया से मिलकर बना है यूरेशिया तो स्टेपीज स्टेप प्रकार के जो है यहां पे घास प्रदेश पाए जाते हैं सेलवास देखिए यही अगर ऑप्शन हो और प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि निम्न में से उष्ण कटिबंधीय सदाबहार घास के मैदान कौन से कहलाएंगे सलवास पंपास टेपिज प्रेरीज तो सलवास राइट आंसर हो जाएगा अमेजन दक्षिण अमेरिका में जो अमेजन बेसिन है वहां पर जो घास प्रदेश पाए जाती है लंबी लंबी हरी हरी घासें तो सलवास उसका सही जवाब हो जाएगा दोनों ही प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं निम्नलिखित में से राज्यों का कौन सा ग्रुप ऐसा है जिसमें लोकसभा की सीटें समान हैं पंजाब असम गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश तमिलनाडु आंध्र प्रदेश राजस्थान ये प्रश्न पूछा गया और पता भी होना चाहिए आपको तो सही जवाब है ऑप्शन डी 25 सीटें आंध्र प्रदेश में भी और राजस्थान में भी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर मानव जनित मानव के द्वारा फैलाया गया पर्यावरणीय प्रदूषण किसकी कैटेगरी में आएगा परजैविक प्रतिजैविक ह्यूमेलिन एनल सही जवाब है ह्यूमेलिन भारत की एक जनजाति जो कि सरहुल त्यौहार मनाती है संथाल मुंडा भील थारू सही जवाब हो जाएगा मुंडा कौन सही सुमेल नहीं है दस डिग्री चैनल बड़ा अंडमान और निकोबार के मध्य कोको चैनल अंडमान और म्यांमार के मध्य पाक स्ट्रेट भारत श्रीलंका के मध्य आठ डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मालदीव के मध्य तो कौन सही नहीं है तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा दस डिग्री चैनल जो है वो छोटा अंडमान और निकोबार के बीच में है ना कि बड़ा अंडमान और निकोबार के बीच में तो छोटा अंडमान और निकोबार के बीच में आएगा बाकी तीनों सही हैं अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेल है भोक्सा बिजनौर खरवार खरवा जिसको कई बार एग्जाम में खरवार भी कह देते हैं ललितपुर माही बहराइच और थारू बाराबंकी तो यहां पे जो सही सुमेल है वो है भोक्सा बिजनौर कई बार एग्जाम में बुक्स बुक्सा भी लिखा होता है बस बकरी वाला बुक्सा तो उसको कन्फ्यूज मत करिएगा वो बिल्कुल सही है भोक्सा बुक्सा दोनों ही कहा जाता है क्षा के दृष्टिकोण से बिजनौर ऑप्शन ए कौन सही सुमेल नहीं है कोयला उत्तर प्रदेश में एकमात्र एक जनपद सोनभद्र में पाया जाता है बलुआ पत्थर मिर्जापुर सिलिका बालू इलाहाबाद और यूरेनियम एकमात्र जनपद ललितपुर में पाया गया है ऑप्शन डी ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था इस तरह का प्रश्न पूछ लिया जाता है देखिए यहां पे पूछा गया है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से सर्वाधिक कब रही किस दशक में रही तो सही जवाब हो जाएगा उन्नीस सौ इकहत्तर इक्यासी के दशक में उस समय राष्ट्र की राष्ट्रीय औसत जो है चौबीस दशमलव कुछ थी और उत्तर प्रदेश की जो है पच्चीस प्रतिशत से भी अधिक जो है जनसंख्या वृद्धि दर रही तो यहां पे ऑप्शन पंद्रवें का जो है डी है तो यहाँ पर इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं करंट अफेयर क्वेश्चन कैसे लगे ये भी बताएं इसके अलावा अगर आपकी अन्य जो है डिमांड है चैनल के थ्रू तो कमेंट सेक्शंस में जरूर बताएं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद